नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में पुलिस कर्मियों को लेकर, उनकी ड्यूटी को लेकर। बिहार पुलिस कर्मियों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि पुलिस कर्मी अगर ड्यूटी पर जख्मी होते हैं तो ऐसे में बिहार सरकार इलाज का पूरा खर्च नहीं देगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर किसी पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा है और उनकी मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी इलाज का खर्च बिहार सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार उन्होंने यह भी कहा है कि ड्यूटी के दौरान घायल होने पर पुलिसकर्मियों को भी बाकी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत दरों के हिसाब से जो है राशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि यदि इस दर से ज़्यादा की राशि उपचार पर खर्च होती है तो उन्हें वही रकम वापस की जाएगी, तो तय दर के अनुसार ही जो कि बनती है। तो ऐसे में साफ तौर पे कहा गया कि बिहार सरकार जो है अपने हिस्से से कोई भी राशि कर्मचारियों को जो कि पुलिसकर्मी हैं उन्हें नहीं देने वाली है। आपको बता दें कि गृह विभाग की तरफ से पुलिसकर्मियों के इलाज की राशि को देने को लेकर बात कही गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई। बता दें कि विभाग की तरफ से जारी प्रस्ताव में यह कहा गया है कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कठिन श्रेणी में आती है, ऐसे में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को खतरों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि कई बार गंभीर चोटें भी लगती है। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार गंभीर चोटें लगती है, इस वजह से जो है उन्हें बेहतर इलाज के लिए घायल पुलिसकर्मियों को बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, लेकिन इस दौरान पूरा खर्च पुलिसकर्मी को भरना पड़ता है। इसी को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए गृह विभाग ने इस तरह के प्रस्ताव जो है स्वास्थ्य विभाग को भेजा था, जिसमें इलाज के दौरान पुलिसकर्मियों के खर्च देने की बात कही गई थी। इसी दौरान पुलिस विभाग की तरफ से यह भी बताया गया कि इस पूरे मामले को लेकर संशोधन प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग ने मंजूरी दे दी है। पुलिस विभाग जब यह प्रस्ताव सरकार के पास और स्वास्थ्य विभाग के पास ले जा रहा था तो उस समय उन्होंने यह भी बताया कि साल 2015 और 17 में ड्यूटी पर तैनात जख्मी हुए या फिर मृत हुए पुलिसकर्मियों को अन्य सरकारी कर्मियों की तरह ही चिकित्सा का व्यय किया जाएगा। पुलिस विभाग की तरफ से रखे गए इस संशोधन प्रस्ताव को स्वास्थ्य विभाग ने खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने अपने सभी इकाई को इसके बारे में सूचना दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बात कही गई है उसे ही अब मान्य माना जाएगा। हालांकि पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने इसका विरोध किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी को आम सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं माना जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों हर समय तत्पर रहते हैं। ड्यूटी के दौरान उन्हें हर तरह के लोगों से भिड़ंत होती है, ऐसे में उनकी ज़िंदगी जोखिम भरी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए कैशलेस कार्ड मिलना चाहिए। तो एक तरह से कह लें कि पुलिसकर्मियों को अलग से जो है चोट लगने के दौरान या फिर किसी भी स्थिति में घायल होते हैं या फिर इलाजरत है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो पुलिसकर्मियों का कहना था कि उन्हें जो है बिहार सरकार या फिर जो है उन्हें स्पेशल सुविधा मिलनी चाहिए उनके स्वास्थ्य को लेकर, खासकर क्योंकि उनका जो ड्यूटी है वो कठिन ड्यूटी है, वो आम लोगों की तरह वो ड्यूटी नहीं करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर जो है इसे खारिज कर दिया और कहा कि जो भी सहायता राशि आम कर्मचारियों की तरह जो दी जाती है वही इन्हें भी दी जाएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझसे इजाज़त, धन्यवाद।